रोजा तो खोल लो, रोजा तो खोल लो। नहीं खोला मैंने, तो नहीं खोला। तुम्हें तो रोजा कोई भी नहीं खिला रहा, मेरा दिमाग ना खराब कर रहा। तुम रोजा खोलो, दो दो। तुम लोगों ने खिला, मैंने तो जूस पी लिया। हमजा तुम तो हो ही ऐसे। मेरे ऐसे दस्तरखान लगाने वालों जिसने मेरी इफ्तारी ना की, ये देखें गाइस, ये अल्लाह के मेरे पे क्यों अटैक कर रही हो सीधा? इसको बोला गाइस, अब आपको मुझसे डर के रहना पड़ेगा वरना जो मेरे खिलाफ बात करेगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हमजा शेख, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो, सब ठीक हो यार? रमज़ान भी कैसा गुजर रहा है आपका भाई का? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों का भी बहुत अच्छा गुजर रहा हो। चले जी, आज ब्लॉग की तरफ आते हैं। आज ब्लॉग का सीन इस तरह से है कि फिलहाल तो आपके भाई को बहुत अच्छी खासी प्यास लग रही है। गर्मी क्योंकि बहुत शदीद अच्छी खासी पड़ चुकी है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। चले जी, सीन आपको कुछ इस तरह का बताता हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने सरकर फैमिली ने मिलकर कोई इफ्तारी शारी नहीं की। बस लास्ट ही की थी अमन के घर जाके, वो तो हमने देख लिया होगा हमारे लिए जो 20 डिशें बनी थी। अच्छा जी, सीन तो कुछ इस तरह से है कि मैंने तो अमन को कॉल की थी कि मैंने कहा चले यार इतना टाइम हो गया बाहर इफ्तारी नहीं किया, तो बाहर जाके इफ्तारी करते। उसने कहा ठीक है चलो। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया यार कि बाहर जाके करने का बनता तो कोई नहीं, क्योंकि बाहर के खाने आपके भाई से हजम नहीं होते, मतलब किसी से भी नहीं होते, हो सकता है मेरे से बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो मैंने अमन को ये बोला कि चले तुम इस तरह करो, हम बाहर जाके पिकनिक करके इफ्तारी करते हैं, तुम घर से डिशे वगैरह बना के ले। उसने तो मुझे सीधा रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा ना क्यों भाई, हर दफ़ा मैं ही कुर्बानी देती हूँ, तो इस दफ़ा तुम लोग कुर्बानी दोगे। तो कई बात रद मुल्क के बाद इस टॉपिक पर आई है कि हम लोग अब सब अपने अपने घरों से डिशेज बना के लेके जा रहे हैं और एक पॉइंट में जाके करेंगे इफ्तारी। वो पॉइंट आपको जाके हम दिखाते हैं कि कहाँ पर जाके हम लोग मिल के बैठ के एक जगह इकट्ठे होकर इफ्तारी करेंगे। उम्मीद आप लोग भी इंजॉय करेंगे और हम लोग तो वैसे ही इंजॉय करेंगे ही करेंगे। चले जी, कुछ ही देर में बस हम रेडी शेडी होते हैं तो फिर निकलते हैं, फिर वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सीन शीन होता है और क्या डिशेज होती हैं इफ्तारी में आज की हमारी। 15 मिनट्स लेटर। तो सीन अब कुछ इस तरह से है कि आपका भाई हो गया है रेडी, तो हम बस निकलने लगे हैं। डिशेज वगैरह भी हमारी हो गई है रेडी। वहाँ का मुझे कोई आइडिया नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्योंकि कॉन्टैक्ट करने की मैंने कोशिश तो की है लेकिन कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। बस निकलते हैं क्योंकि यहाँ से सफ़र थोड़ा दूर है, और दुआ करिएगा आपका भाई पता नहीं टाइम पर पहुँचता नहीं पहुँचता, वो तो आपको ब्लॉग के एंड में पता लग ही जाएगा। ओके जी, देर तो हो गए हैं हम। मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूं कि काफ़ी देर हो चुकी है, पहुंचने तो बहुत कोशिश की थी कि टाइम पर पहुंचे लेकिन कोई नहीं पहुंच पाए। 5 मिनट अभी रहते हैं रोज़ा खुलने में, कोशिश पूरी है पहुंच जाए, नहीं तो कोई नहीं गाड़ी में खोल लेंगे, फिर वहां जाके सब इकट्ठे हो जाएंगे। चले जी, वहां जाके देखते हैं कि क्या करते हैं। हाँ जी, तो सीन आपको बता ही देते हैं कि हम लोग जा रहे हैं फैसल मस्जिद। वो देखें जी, आप लोगों को नज़र तो आ गई होगी, बिल्कुल बस पहुंचने ही लगे हैं, डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास पास है, लेकिन रोजा खुल जाएगा इतना मुझे पता है, नहीं मैं पहुंच नहीं पाऊंगा टाइम पर। रुको जरा, सबर करो। पहुंच तो गया था लेकिन फंस गया फिर से। ये देखे जी, ट्रैफिक और शारे ने मुझे रोक दिया था, लेकिन अब पहुंच देर तो हो चुकी है, अभी तक रोजा नहीं खुला लेकिन 2 मिनट रह गए तकरीबन। ये देखें जी, बस उस वाली रोड पे पहुंच गए हम फैसल मस्जिद की, आप लोगों को भी दिख रही होगी। ये देखें जी, मैंने जूम भी कर दिया। ये देखें जी, हम पहुंच गए हैं और मुझे लग रहा है हम यहीं बाहर कहीं पे लगा लेते हैं अपना, क्योंकि अंदर जाने की जगह तो नहीं मिलनी। क्या कहती हो निशी, यहीं फिर लगा लें? सर्कल फैमिली बाकी अभी अधूरी है गाइस, वो लोग भी नहीं पहुंचे। बिल्कुल यार, माशाल्लाह यहाँ तो काफी रौनक है, क्या करें यहीं पे कर लगा लें फिर। जी जी, हमें यहीं लगा लेना चाहिए। जी अजान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच तो गए थे लेकिन काफी देर हो गई। ये देखें जी, ये देखें इधर सबसे पहले पहुंच गई है। ये देखें जी, हम लोग यहाँ पर कोई अपना डेस्टिनेशन बनाते हैं, यहाँ पर मुझे सही लग रही है यार। ये देखें यहाँ पर हम लोग अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं, ये वाली बेस्ट लोकेशन है। तो अच्छा खासा देर से आ गए ना यहाँ पर, खुशी मना रहे हैं, इनका देखना अभी माल क्या करूँगा। रोज भी पास संभाल के बैठे हुए लोग। रोज़ा तो खोल लो, रोज़ा तो खोल लो। नहीं खोला मैंने, तो नहीं खोला। तुम्हें तो रोज़ा कोई भी नहीं खिला रहा, मेरा दिमाग ना खराब कर रहा। रोज़ा खोलो, दो दो। तुम लोगों ने खिला, मैंने तो जूस पी लिया। हमजा तुम तो ही ऐसे हमारे साथ करते हो, हमें मुश्किल चीजें देते हो, खुद आसान चीजें बना के लेके आते। जी गाइस, मेरा हाथ जल गया आज कचौरियां बनाते बनाते। मुझे भी दे दो, हारून को भी दे दो। ये लो ये लो। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि हम क्या क्या बना के लेके आए हैं। मैं तो दही बड़े और फ्रूट चाट बना के लेके आई हूँ, आप क्या बना के लेके आई है? कचौरी और हीरा निकले, चाइनीज पकौड़ा। और आप? दही बल्ले, चाय लेके आए और गिलास। और आप? आप खाने हैं। जी गाइस, सर इफ्तारी का टाइम हो गया, हम इफ्तारी करते हैं उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दे दो यार। चलो यार गाइस, बता दो ना सारा कुछ सामने जो भी है बना के। हाँ हाँ, ये सब कुछ मैं दिखा रही हूँ, देखिए। मोइन वो थोड़ा चिकन पकौड़ा लेके आया, और मोइन ने कॉल पे बोला भी था यार ज्यादा होना चाहिए। मैं खा के देखती हूँ कैसा होता है। ये क्लब सैंडविच है, देखिए ये लेग पीस है। बैठ जाओ,
आप क्या कर रही है यार, बस कर दो, सब खाई जा रही है। हीरा तुमने चिकन पकौड़ा ला के रात से मेरे से लड़ी चिकन पकौड़े का, जबकि इसको क्या है मैंने क्यों एक डिश किया पपन ना हो जाता तुम्हारी, मैंने एक डिश करी तो चाय तो मोहिन ने बनाई है मुझे पता है। अच्छा मैं जो दही बड़े बना रही हूँ मेहनती काम सब इधर तो भाई फिर चुकी है, तो जो था वो तो खत्म हो गया। नौशीरे एक काम बड़ा फिट किया है, भरी हुई कचौरियां बिल्कुल एंड में रखी हुई थी, बाकी खो गई आगे रख गई। यही तो सारी टेक्निक होती है यार, अहमद बस का तो कितना खाओ। नहीं मेरी बात सुनो, तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? आज मैं मोबाइल नहीं पकड़ी थी, मैं आग लगाई। हां तो हां ना, मैं भी मैंने तुम्हें पता मेरा खाना क्यों नहीं पकड़ोगे? पे आए थे लेट मेरे घर, तो तुमने बदला पूरा किया यार, हद होती है। मुझे इतना थकाया है, पता खाने के टाइम में से नहीं मोबाइल पकड़ा जाता यार। यार ये क्या होती है यार, ये देखो हीरा भी मजे से खाने में लगी हुई है। हीरा बस कर, तो कितना खाओगे? एक चिकन पकौड़ा बनवाए तुम तो इस रहा नहीं पता नहीं। खेरी अभी शुरू किया, ये देखो जी इसके मियाँ की दूसरी चार की प्लेट है यार, कितना खाओगे माशाल्लाह। खाने के लिए आया ना हमरा, क्या हो अच्छा, गया अच्छा खाओ खाओ, ये देखे जी नजारा। निशी आप भी क्या कर रहे हो यार? कचौरी खा रही हूं गाइस। चलें गाइस मैं भी कुछ खाता हूं, मैं क्या खाऊं यार, कचौरी तो खत्म हो गई गाइस। अभी तो एक और कचौरी की लड़की, ये देखे जी कचौरी आ गई है। और कौन आ गया यार? हमजा कह रहा था मैं, मैंने मोहन की चोरी कर दी थी आपको पता है। अहमद तुम बिरयानी बना के ले आना, लाहौल वाला कुआ था। बताऊं किसने कहा था? तुम्हारी इस बहन ने कहा था। शुक्र है मैंने पूरा नहीं पढ़ दिया ना, मैंने गायब हो थी। गाइस हमजा वैसे मेरी जान है, इसको पता है मेरा बनाई भी है माशाल्लाह। तो इससे से कचौरी मांगी थी मैंने मोहन से, चोरी करके रमजान में चोरी करवा रहा मुझसे यार। ये बात जमीन पे गिरती, मैंने उठा के साइड पे। ये देखो मेरे भल्ले कितने, ओ माशाल्लाह। अभी तो खाए नहीं है यार, क्योंकि ये मेरी फरमाइश थी, तुम्हें पता है मेरी अमन ज्यादा सुनती, तुम्हारी नहीं सुनेगी कुछ भी। सारी चीजें अमन ने मेरी मदद की बनाई थी और दही बड़े तेरी मदद में देता था। चलो यार अमन शुक्रिया यार, अल्लाह तुम्हें आने वाले वक्त में इसी तरह मेरे दही बल्ले बना दे। बाकी यार अहमद कितनी अच्छी लग रही है, अहमद ये प्लेट मुझे दे देना डाल के। यार ये देखिए जी नजारा बहुत मजे का यार, जल्दी जल्दी कुछ खा ले, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, इससे पहले मैं फटाफट खा लू। 5 minutes later का टाइम हो गया है, तो अमन ये मैं आपकी जिम्मेदारी लगा के जा रही हूं, दही भले और चाट में आके खाऊंगा। अच्छा मैंने खाए नहीं है, खत्म हो गया, बैठ भी तुम्हें खिला दूंगा, नमाज पढ़ लो। हां हां नमाज का टाइम, नमाज चले यार, चलो नमाज चले। मोहिन मोहिन आपने नमाज नहीं पढ़नी यार, वो देखिए जो नमाज नमाज का दर हो रही है मोहिन, बहन देखिए फिर ना गैप हो जाए यार। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हमेशा की तरह मैंने फटाफट नमाज पढ़ ली है, अब मैं खाऊंगा दही बड़े और फ्रूट चाट। आए आए हीरा बस कर दो, उस टाइम से खाई जा रही। मुझे तो लगा था तुमने पढ़ के भी आ गया हमजा, तो खा रही हो मुस्तकिल खा रही हो, इतना लंबा पढ़ के आ गया, लेकिन हीरा की फूड चैट बिल्कुल वही ना, मैं सारा वो खिला रही हूं, मैं कब खा रही हूं। अच्छा अच्छा मैं समझ सकता हूं, तुम्हारे पतीला बिल्कुल पास रखा हुआ है और साथ साथ डाली जा रही है, साथ साथ नम नम नम। मेरी थी चाय गरम गरम है, पी लो ठंडी। बिल्कुल यार चाय के बगैर तो कुछ, पहले पहले यार वो सैंडविच कहां गया यार, सैंडविच तो चाय के साथ जरूरी थे यार। हमारी बीवी ने ढक दिए बना के लेके आई थी वापस, अच्छा तो बच गया ना, खा लेंगे हम जो कुछ बचा वो वापस नहीं लेके जाना, जो कुछ बचा वो वापस लेके जाना हीरा ना। क्यों यार तुम लोगों ने मुझे खुद ही कहा था बता दो बता दो, रमजान है तो मुझे पता रमजान है, लेकिन ये मतलब नहीं कि तुम ऐसे इतना बुरा करो, रमजान है यार। निशी देखो क्या कह रही है यार, इसे समझाओ। नहीं नौशी के पीछे फैसल मस्जिद, नौशी कितनी प्यारी लग रही है फैसल मस्जिद के पास। प्लीज गाइस अरुण भी आ गए, वो देखे थी अरुण कह रहा आस्था बोलो यार, सब नमाज पढ़े हैं, सब नमाज पढ़े हैं। अरुण में फटाफट पढ़ के आ गया, मैंने चाट और दही भल्ले खा भी लिए, वो देख रहे थे पता लग गया नहीं खाए यार, अभी तेरा वेट कर रहा था मैंने, मोइन और वो जा चुके हैं, मैं और तू करने थे, मुझे अभी दुआ भी याद ही रहती है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, हीरा भी खा रही हो, बस कर दो यार, खांसी लग गई तुमने ऐसी नजर आ रही है। हीरा की तबीयत खराब होगी, हम थोड़ी देर बाद आते हैं, मजाक था।
और गाइस अभी ये लोग अभी भी खा रहे हैं, इनको खाने की पड़ी हुई। अभी फिर यार चाट पकड़ा दो, चाट खानी है क्योंकि ये पूरी देश की, देखिए गाइस मैं पूरी देश की बना के लाई थी। आप ये इतने इतने से प्लेटें लेके आए हो, मुझे देखे 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 अभी क्योंकि खाए नहीं है किसी ने। और फ्रूट चाट के लिए पूरे दो दर्जन मिनट पहले काटे में थक गई थी, पता नहीं कितने सेब थे। ये देखिए इधर है आरू, प्लीज आरू प्लीज दिखाना चाह रहा, प्लीज ये देखिए इसमें गाइस, इसमें हमारा दूध जोश होता है। मैं इन सब मखलूकों के लिए पतीली भर मखलूक क्या होते हैं, ये रहा मखलूक, मखलूकों के लिए लाई तू, सिर्फ इंसानी मखलूक के लिए, फैमिली मखलूक कोई और मखलूक ना आ जाए हफ्ता पहले जा बैठी। ये देखिए अब ये फिर शुरू हो गए, इन्होंने मतलब कुछ छोड़ना नहीं। मैंने कहा था चले बच जाएगा तो मैं कल अफ्तार में खा लूंगी थकावट जी, लेकिन ये लोग सब खा के भुका के जाएंगे। आप वही हारून हो और मैं भी। हम लोगों ने चाय वाला सिस्टम किया ना, ये चाय वाला ना कप है, चाय वाला है, ये वाला चाय की थर्मोस में चाय है ना। उधर गाइस हीरा का जहेज का थर्मोस भी फट गया। ओहो माशाल्लाह, अल्लाह की नजर लगी है। हाँ हर चीज में मेरी नजर है यार, मैंने चाय वैसे नहीं पड़े तो मैंने अपनी नंद के कहने पे, क्योंकि ना मेरी नंद से हमेशा हार्ड हो जाती है, तो सॉफ्ट ढूंढते हैं कुछ खाने को मिल गया, सेम अभी वो लग रहे हो लग रहा ना। हारून कैसी फ्रूट चाट बनी है? बहुत जबरदस्त बनी है, मुझे दही बड़े बन दो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चले गाइस मैं लोगों को डाल दूं, आपको पता है दान देना करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हमने मोइन की ड्यूटी लगाई थी कि मोइन बनाएगा चाय, लेकिन मोइन ने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई यार, अब हम नहीं पिएंगे, चाय होगी चाय। नहीं नहीं मोइन चाय नहीं होगी, तो मेरे 270 रुपए वापस करो, एक लीटर दूध लाया हूं मैं पूरा। हीरा मोइन ने चाय नहीं बनाई ना? मैंने बनाई है, पी के देख लो कैसी बनाई है। चल झूठा है ना, वो बहुत मजेदार। प्लीज अपनी मूछें तो साफ कर लो, क्रीम लगी हुई है, मूछें साफ करके बात करो कैमरे के आगे। सॉरी गाइस। अच्छा हमजा झाड़ियों के पीछे से आना। वाओ हमजा कितनी प्यारा शूट आ रहा है। नोशी तुम खा लो दही बड़े। गाइस ये देखिए आज तो दोनों मियां बीवी ने मैचिंग की हुई है, मैचिंग व्हाइट पुलिस आ गई मोइन को लेने। जो ये वो वाले लोग हैं जो अफतारी के टाइम पकोड़े समोसे खाते हुए पकड़े जाते हैं, अफतारी से पहले चुराते पकड़े जाते हैं। गाइस इतनी स्पीड मोइन ने लगाई है ना, वो देखे चाय तक पहुंच गए, हम अभी तक स्लो स्लो चाह रहे हैं। तुम सबसे पहले घर जाके पता क्या करना, अपनी मूछें कटवा रहे, क्योंकि जो तुम खा रहे हो तुम्हारी मूछें में मकरू हो रहा है। पीछे गा रहा हूँ, आप ठीक है? सॉरी गाइस हमजा तुम नेक हो गए, तुम्हारे माथे पे निशान पड़ गए, जो नमाजियों पे पड़ता है, नमाज पढ़ता है इसलिए निशान पड़ गए। दिखो दिखो गाइस को दिखो, ये ताजी है गाइस, ऐसे बाकी है सर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके कहां पे हो गई है लड़ाई मेरा गाइस, छोड़ोगे अंदर आ जाए, मैं वैसे भी से नाराज हूं, तो इसमें क्या मैं खाऊंगा पहले, मेरी मैं डालूंगी, मैं कब से कह रही हूं, जो जो पहले डालेगा वो डोगी होगा भाई। तुम दोनों ये क्या हो रहा है तुम लोगों, रमजान में इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? यार बदतमीजी नहीं कर रहे, अफसोस हो रहा है कि मैं तुम लोगों के, जब मैंने बोला मैं ढालूंगा पहले तो इसने उसी टाइम क्यों हार्ड टाइम मारा है। मैं तो ये सोचा था कि मैंने कहा यार दही मिले के चक्कर में तुम्हें लड़ाई में ना दही मिले ना गिर जाए। नहीं अच्छा मोइन ने बड़े मोइन ने बड़े तमीज से कहे डॉगी, तमीजदार लव, बिल्कुल वाकई। और देखो डाला भी खुद ही है, अब मैं करूं चाचा, देखिए तमीज से कहा था डाले तो थे अमन। ये देखे हीरा, हीरा तुमसे वो चाइनीज बनवाता फिर तुम सीधी रहती यार।
तुम इतनी बातें सुनाते हो। अच्छा अब मेरे अब आप लोगों से बात करनी कि अब होगी बाहर भी अफ्तारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सैरी भी कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी सैरी कर ली। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब नेक्स्ट अफ्तारी कौन करे, हमजा करे हीरा करे। लेकिन मुझे समझ आ रही है कि हमजा को करनी चाहिए, काफी दिन से हमजा के घर खट्टे नहीं हुए, बस एक स्टेक खाके आई हुई मैं, आपने देखा ज्यादा दस्तखान ऐसा सजा हुआ जैसे मैंने इनके लिए सजाया था। मैं तो हमजा को चिकन मंचूरियन और पकोड़ा और क्या क्या खिला दिया था हमजा, तुम सब भूल गए? उस टाइम ये क्यों नहीं आई थी बताओ, फिर राज की बात खोलो सबके सामने। मेरी पप्पा जाग गई, तुमने मेरी बहन के साथ कितना बुरा किया, उसके घर आके खाया और उसको नहीं बुलाया। उस टाइम तो बड़ा कह रही थी स्टेक खाते हैं, छोड़ो छोड़ो। नहीं नहीं गाइस गाइस मैं देखना चाहता हूँ कि अमीरों का दस्तरखान कैसा होता है। मजाक करे तो मैं देखूंगा, नहीं तू ना देख तेरी मेरे पास। गाइस ये पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, आप समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। पंप नहीं कर रहा, इसने क्या कहा था, मैं स्टेक खाते हुए 20 डिशेस मेरे सामने आ रही है, अब मेरे आंखों के सामने 25 डिशेस आ रही है। 25 हमजा ऐसे बोलो, बहुत अच्छे आ रहे हो अहमद, बहुत मजे के दही बल्ले। गाइस ग्लास खत्म हो गए, दही बड़े मजे के ना, सही सॉफ्ट है ना, बिल्कुल जानवर लिया था मजा आ गया। आपको एक बात तो इतना अच्छा मौसम हुआ, ठंडा भी। गाइस ये तो वेले हैं, गाइस ये तो वेले हैं, तो आप मुझे ज्यादा दें, ये लोग तो वेले हैं, घर बैठेंगे स्कूल से, क्योंकि हमारी सुबह की ड्यूटियां थी। अच्छा मोहन सब बता के जा किधर जा रहे हीरा, आप नहीं जा रही हीरा से, अभी हम करेंगे काम यहाँ पर, अब तो आपका मियाँ गया, अब आप यहाँ पर करेंगे सारे काम, समझ लगी है। कोई काम क्या नहीं, तुम करोगे अभी काम, जाते हुए मोहन बाय बाय कर रहा था वो, देखे गाइस ये देखिए जी, अच्छी बनी हुई है हीरा, मैं आपका थैंक्स कर रहा हूँ यार। बात सुनो यार, तुम लोग थैंक्स फॉर योर चाय अहमद, बहुत हीरा बहुत मजे की चाय। मैं तो अपने बनाने का बहुत ख्याल रखता हूं, तू अपने सारे का ख्याल ही रख। ये नहीं उतर रहा यार, घंटे से मैं लगा हूं, उतारने का तरीका भी होता है। बिल्कुल अभी यहीं खाएंगे, कहां बची है अभी, हम यहीं खा के जाएंगे सब। मैं बड़े खाती रहूंगी गाइस, वो देखें सामने है चार मीनार, माशाल्लाह ओहो, उन मीनारों के अंदर जाके खाएंगे जी, और सैंडविच है वो भी खा के जाएंगे, वो देखो गाइस हैं, आधे आधे पड़े हुए यार, अभी हम मिलके खा सकते हैं, क्यों निशी? बिल्कुल निशी अब अच्छी लग रही हो, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा है ना, ना अमन जल गए यार, हमने इधर पिकनिक बनाई है, हमें बहुत मजा आया, देखे जी यहाँ पर अच्छा खासा नजारा था। बच्चे भी हमारे बहुत खुश हुए हैं, बिल्कुल यार बच्चे भी सही एंजॉय कर रहे हैं, क्यों अमन आप बहुत खुश हैं यार, आपके बच्चे नजर नहीं आ रहे, घर चल के सोते हैं क्या? अभी नहीं, अभी तो हमने अंदर जाके ग्राउंड लगाना है यार, मुझे बहुत काम है, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी बिजी पर्सन। अभी तो तुमने एक चीज सरप्राइज भी देना आने वाले व्लॉग में गाइस, तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस आप लोग दुआ करें मेरा काम हो जाए, आमीन। जी गाइस हम लोग फ्री हो गए हैं मजेदार इफ्तारी करके, वो भी अहमद की, जो भी है जो अहमद की चीजें अगर होती ना तो इफ्तारी का मजा नहीं होता, क्यों अहमद यार देखे, अब मैंने इतनी तारीफ कर दी आपकी यार, आप तो खुश हो जाओ, और ये बार बार मुझे तुम दो ताने, सबकी शेफ जी जी, और बार बार जो तुम मुझे ताने दे रहे ना बंद कर दो, मैं अटम करती रहती हूँ बस कर दो तुम। शुक्र मैं बिरयानी बना के चावल खा रहा था चटनी के साथ, वैसे मजा आता ना, क्यों नशीब चल रहा है इसका आगे, बिरयानी बहुत अच्छी बना रही है। चले कोई नहीं गाइस, हम यार अब वो देख रहे लाइट नीचे जा रही है, वो लाइट नीचे जा रही है, बिल्कुल। हीरा आपको क्या हुआ यार, आप क्यों उदास हो, मेरे पास मोबाइल लेके क्यों उदास हो आप, क्यों के मोइन जा चुका है, अब हम लोग अंदर भी चलते यार, मेरा दिल हो रहा है हीरा से अभी भांडे ना धुलवाए, अगर गंदे होते तो यही तो सोच रहा, काश हम डिस्पोजेबल लेके आए थे। हाँ इधर 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 हम, मैं पानी के नलके से गिराऊंगा पानी ऊपर, तुम भांडे दोगी कितना अच्छा लगेगा यार, सोचता भी अफ्तारी का कि मेरे घर होगी। अच्छा यार मैं मजाक कर रहा था यार, अफ्तारी की बात ना बीच में लाया करो ना, अफ्तारी हमदा के घर 25 डिशेज, ये कब था यार। गाइस अगली दफा मैं इंशाल्लाह 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 अल्लाह मेरी ज़बान कबूल करे, आमीन सुमा आमीन, कोई आमीन नहीं, अफ्तारी हम लोग करेंगे। अमन इतनी अच्छी लग रही हो कसम से, वाओ पीछे बैग में फैसल मस्जिद आ रही है, हीरा आप भी अच्छी आ रही हो यार। गाइस सुन लिया, टेंशन ना ले, अगली इफ्तारी आपकी कर रहे हैं, मैंने नहीं सुना यार, मुझे अभी तक बात नहीं आई है यार, क्यों नहीं जी मुझे भी नहीं आई। दोषी प्लीज तू भी एक क्लब से मेरे कुछ चोरियां मत बना, मेहमान इतने भी बुरे नहीं थे यार, नहीं मजे की थी लेकिन कुछ नया ट्राई करके बता रहा था, नया ट्राई किया था, लगे कि भाई मेरे घर से गई है सीख के गई है, अगली बार कुछ चोरी बनाई ना तो चिकन कीमे की बनाई,
विद शिमला मिर्च डाल के स्पाइसी विच चलो आइडिया अमन तुम बना के हमें खिलाओ फिर हम अगली दफा फिर हम बना लेंगे कैसा क्या जा रही है हीरा भांडे धुल के आपके अच्छा चलो यार अब इतना करते हैं उस सीन पे नहीं लेते हैं यार ये सुन लिया अब ये तो मजाक था यार कोई नहीं मोइन नहीं ऐसे ही बोल रहा हूँ इंशाल्लाह अगली अफ्तारी हम लगेगा ये कब हुआ है ये तो मैंने जिक्र किया था सिंपल यार अभी कितना मजे की आवाज चल रही है यार बिल्कुल गाइस गर्मियां बहुत हो गई है ना की चाय गिर गई थी आपको दिखा नहीं सकते थे जी चाय का सर पे बहुत दर्द हो रहा है मैंने मजे से चाय पीने लगा उन्होंने टेक लगे पीछे से चाय गिरा दी सारा मेरी बुराइयां करने का नतीजा है ममता हीरा यार पांडे नहीं धोया आपने भी था यार यार तुम अकेले ना मोइन जा चुके अब तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है मुझे पता है मेरा कोई नहीं है अच्छा गाइस वो देखिए हमारे बच्चे क्या अच्छा क्या पर्सनल बात नहीं कर सकती अच्छा वही मैंने कहा पता नहीं क्या आ रही बात नहीं मुझे ये बच्चे भी पिकनिक वाह देखे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं गाइस ये देखें जी जो ना बार बार कह रहे पांडे नहीं दोए मुझे ना वो याद आ रहे थे नहीं आता बचपन में पांडे हेमन यार रमजान है यार नहीं करो यार जी जी भाई पांडे का गाने गाने गा गाने नहीं 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 पांडे पूरा म्यूजिक दिया इसने नोशी फौरन आ गई जी अब हम लोग अंदर जा रहे हैं फैसल मस्जिद के अंदर हमजा जी हम लोग पहुंच ही नहीं पाए थे तो हमने कहा चले बाहर इफ्तारी कर लेंगे अब अंदर जाना भी तो बनता है यार इतनी दूर से आए हैं एक राउंड लगा के आज और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है बिल्कुल यार ठंड भी हो रही है अच्छी खासी धूप धूप निकल गई है तो तुम जैकेट पहन लो ना नहीं नहीं अभी लग रही है तुमने अभी क्या किया था कुछ नहीं किया था अभी हमने बस खाया पिया और हम फिर इधर आ गए हैं आपको क्या हुआ है इतनी खामोश नशीद तुम्हारी आंखों के सामने क्यों वो आ रहा है जैसे धुंध पड़ी हो वो हवा चल रही है ना लगता है यहाँ बारिश होने वाली है ये वो डायलॉग है ना ये वही आपने लगता बोला ये क्या आगे आगे जा रही है इनको कुछ पता ही नहीं क्या कर रही है हीरा तो पांडे तो होके फारक होंगे रायमन थक गई तो उसने बोला यार आप कैमरा पकड़ लो मैं आप कैमरा नहीं पकड़ी इस वजह से मैंने कैमरा पकड़ लिया देखे जी मजेदार मस्जिद का नजारा आपको दिखाते हैं जी माशाल्लाह और ठंडी ठंडी आवाज चल रही है ये देखिए जी अमन आप क्या हो रहा है यार जब बात करते तुम बीच यार इतनी प्राइवेट बातें क्यों कर रहे हो यार क्या हो गया अभी हम कोई प्राइवेट बात नहीं है गाइस फिर क्या जैसे कैमरा करीब आता है अच्छा आप गुमराह कर रही हमें चले दी हमें अंदर चल देना चाहिए इतना सा रास्ता हमने आधे घंटे में तय किया यार चल लो यार अमन चल लो ये देखे जी अमन मंजर अंदर चली गई है ओहो ये देखो अमन मंजर कितना अच्छा आ रहा है पीछे वाली फैमिली को भी कोई पूछे यार आप आई नहीं रही थी मैंने कहा फिर अब मैं हीरा को हरून ये क्या है यार बच्चे जान ही छोड़े मेरी मैं क्या करूं हरून तो लोडर लगा रहा है यार अमन आपको बुरा तो नहीं लग रहा तुम आपने मेरे बच्चे को ना उठाना तुम मैंने उठाया था यार वो आया ही नहीं यार मैं क्या करता यार चले जी बस पहुंचने ही वाले हैं मंदिर तो बहुत मस्त यार इधर तो बहुत रश है अरुण मुझे मेरे ऊपर रश नजर आ रहा है मैं इधर देखूंगा यार तो फिर वैसे ही अच्छा नहीं लगता हाँ हाँ ठीक है इधर से बस चलते हैं यहाँ से बस देख के फिर हम चलते हैं बहुत है बच्चे तंग करेंगे बिल्कुल यार सही कह रही हो ये देखे जी फैमिली थकी हुई आ रहे हैं नोशी अभी आधा घंटा गुजर चुके हैं आप लोग पहुँचे नहीं बता स्लो स्लो चल रहे हैं आपको पता है अफ्तारी करके इंसान थक जाता है हम फिर भी चल रहे हैं लेकिन अभी भी चल रहे हैं ऐसा चल रहे हैं चल तो रहे हैं यार मैं थैंक्स हीरा का करना चाहता हूँ क्योंकि ये चाय ना कर लेके आती तो हमारे साथ में अभी भी दर्द हो रहा होता यार चलो गिले शुके माफ करो अहमद हीरा रमजान है यार बस कर दो मैंने दिल साफ किया हमजा तुम भी अपना दिल साफ करो मुझे दिल साफ करने के लिए कुछ खिलाना पड़ेगा चल चल नहीं खाने वाली चीज नहीं है 12 seconds later ओए पापड़ खाए कौन सा पापड़ अमन हम चली जा रहे हैं बच्चे चली जा रहे हैं खुदा का वास्ते अफ्तारी करके बस कर दे अमन पापड़ देख के बचपन की याद नहीं नहीं बचपन की तुम याद मत करवाओ इतने मजे का मसाला आता है उसका चाट मसाला गरम मसाला वही वही चलें जी हम पहुंच ही गए हैं चल चल के ये देखें जी माशाल्लाह मंजर बहुत मजे का आ रहा है यहाँ से तो रास्ता बताए ना मैं चलाऊंगी बंदूक कोई बंदूक शंदूक नहीं चले जी अंदर चलते हैं
इफ्तारी के बाद अहमद ने चला दी बंदूकें हैं वो भी मेरे ऊपर, कह रही तुम मुझसे बहुत चीजें बनवाते हो मैं तुम्हें बंदूक चला मेरी इफ्तारी ना ना हीरा हीरा मेरे से दस्तखान लगाने वालों जिसने मेरी इफ्तारी ना की ये देखें गाइस मेरे पे क्यों अटैक कर रही हो सीधा इसको बोला बिल्कुल यार मैं इसलिए डरा कोई नहीं मुझे पता सी आ रही थी सख्त लगती हूँ हाँ बिल्कुल लगती है आने वाला टाइम में मुझे तुम किसी ने तंग किया ना ऐसे करके ना छड़ा डाल के वाह अरुण तुझ पे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही गजब बेइज्जती है हमने अपने शूज वगैरह जमा करा दिए अब अहमद डर रही है अहमद अब क्यों डर रही हो वो लिखा उन्होंने लिखा मैं बच्चों का ध्यान रखे और मेरा हाथ पकड़ो ये कह रहा बच्चा है ये कौन सा बच्चा है यार अहमद तुम्हें सुकून आ गया मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आके ऐसे एक सच्ची बात बताऊं मेरे ख्याल से मैं शायद ऑलमोस्ट 10 साल बाद आया सेम यार मैं तो 20 साल बाद आया हूँ हाँ मैं भी 10 साल बाद हुई जब बना पे आप बहुत मेरा ख्याल से थी भी नहीं था भाई मैं बहुत पहले आया था बहुत टाइम पहले नहीं नहीं हम 10 साल बाद नहीं आए हैं हम 7 साल बाद आए हैं अमन मुझे लग रहा है बहुत सुकून ले रही है यहाँ पर आके और हवा इतनी अच्छी चल रही बिल्कुल यार हीरा आप क्यों बोर हो रही है कोई बात नहीं यार मैं बोर नहीं हो रही एंजॉय कर रही हूं सुकून ले रही हो आप ये देखे थी यहाँ पर अच्छा खासा सुकून आ रहा है क्या हुआ तुम तो बुढ़ी होगी अभी से यार थक क्यों गई हो मुझे भी लग रहा है रे आप भी सीढ़ियां कैसे चढ़ी आपको चैलेंज दिया जा रहा है मुझे तो अल्लाह का शुक्र है हमजा बिल्कुल स्लो स्लो चल रही है लेकिन निशी भी स्लो स्लो आपका भाई हमेशा की तरह फास्ट फास्ट ही है देखे थी रून भी बिल्कुल पुरसकून माहौल से चल रहा है मैं पहुंच गई इतनी ही है मेहनती बंदे हैं ताकत है इतनी ही है मुझे तो लगा बहुत सीढ़ी है नीचे तो देख के बहुत ज्यादा लग रही थी लेकिन बहुत छोटी सी यार यहाँ पर तो अहमद बहुत हवा अहमद बिल्कुल बहुत मजे की हवाएं चल रही है यार बिल्कुल यार सब कुछ चढ़ अहमद बहुत अच्छा व्यू आ रहा है जाती जाओ ऐसे सब पहुंच गए हीरा पहुंच की मुझे तो लगा नीचे रह चुकी यार क्यों हमजा मैं कौन हूँ यार मुझे तो बहुत ऊपर मजा आ रहा है सही ठंडी ठंडी हवा चल रही है अमन क्यों आपको भी ठंड लग रही है मेरे जमीन पे बैठ जाते हैं हाँ ना साइड पे बैठ जाते ना यार किसी को कोई होश नहीं बस चलते आ रहे चलते आ रहे अभी आपको मैं ऑटोग्राफ दे सकती सॉरी मैं बिजी मैं ले भी नहीं रहा अभी सब चलते हुए आ रहे हैं सुकून ले रहे हैं हीरा को कोई होश नहीं हीरा बस अपना चलती जा रही हूँ चलती जा रही हूँ चलती जा रही हूँ मुझे भी लग मुझे लग रहा है हीरा को वो याद आ रहा है बस चलते जा रहे तुम लोग तो इतना चल रहे कैटवॉक पर आए हुए रून तूने यार फिर क्या झूले माइया बनाई हुई है अब ये रून की ये ड्यूटी लगेगी बेटा वन बाय वन आया एक और ये देखे जी गया एक और चल रोहन अब दिया तूने सबको पंगा अब तू निपट सब से झूला भी लगा हुआ है 20-20 रुपए किधर किधर ओ हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर ओए रून ये कौन सा झूला है झूला अच्छा था यार मुझे तो ये लगा ये तो बहुत अच्छा झूला है देख सकते हैं ये देखे जी गाइस झूला होने लगा लग रहा उड़ जाएंगे ग्रिप अप की पकड़ना ग्रिप अप की है और ये लोग गिरने लगे और शर्ट शर्ट फूटने वाला है और मुझे लग रहा है शर्ट शर्ट फूटने लगा है सर फूट गया अमन का मैंने कहा था सर फूट चुका है अमन का नहीं ग्रिप अप की पकड़ना मैं तोड़ गई थी थोड़ी गई थी सोनी उड़ी कह रहा है कैसे ड्रामा कर रहे हो उड़ के नीचे गिरे होंगे डर गया
तब हम करते हैं व्लॉग को एंड। बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, हम लोग जाएंगे घर और हम लोग भी खुद भी बहुत थक गए हैं और यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ी। देखिए ईजा कितना रो रही है, ईजा को किसी ने मार दिया है यहाँ पे, ईजा को किसी बच्चे ने आके मार के चला गया, वो पता भी नहीं कौन है। तो गाइस हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को जाके जल्दी से करें सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप लोगों से हमारी कोई वीडियो स्किप ना हो। हाँ जी, उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग सही लगा होगा। मोइन जा चुका है इसलिए अंगूठा अंगुली कोई नहीं लगा सकता, इसलिए जाके फटाफट जाके हमारे चैनल को काट दे मजेदार से सब्सक्राइब, मजेदार से चाट मसाला डाल के प्रिय गाइस। और गाइस मेरी आपस से नाराजगी दूर हो गई है, मैंने भी दिल साफ करके रमजान में मोइन तो है नहीं, क्यों पता है इसको लड़ तो सकते ही नहीं। चले गाइस आपको पता है